कपिल के शो में फरहान ने सुनील को लेकर कही ये बात, मैं हूँ ना मैं कभी नहीं होते सिट्ठी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों, मशहूर कॉमेडी शो द कपिल शर्मा शो ने कोरियोग्राफर और डायरेक्टर फराह खान ने एक बड़ा खुलासा किया है। फराह ने शाहरुख खान स्टार हिट फिल्म मैं हूँ ना के विलन सुनील शेट्टी को लेकर कहा है कि खलनायक के तौर पर सुनील कभी भी उनकी पहली पसंद नहीं थे। जानिए आखिर फराह ने ऐसा क्यों कहा। सूत्रों के मुताबिक जब फराह खान कपिल के शो में नजर आए, इस दौरान जब कपिल ने फराह उनके डायरेक्टर एक्सपीरियंस के बारे में बात की तो उन्होंने फिल्म मैं हूं ना को लेकर एक बड़ा खुलासा किया। फराह ने कहा कि सुनील तो विलन के रोल के लिए कभी भी उनकी पहली पसंद नहीं थे। फराह ने कहा कि सुनील शेट्टी को यह रोल देने से पहले तीन एक्टर से संपर्क किया गया था, इसमें नसीबुद्दीन शाह, नाना पाटेकर और कमल हसन का नाम शामिल है। इसके बाद कपिल ने पूछा तो फिर ऐसी क्या वजह थी कि आपने सुनील शेट्टी को फिल्म में लिया। इस पर फराह ने कहा कि इस रोल के लिए उनकी पहली पसंद नसीबुद्दीन शाह थे, लेकिन उन्होंने समय कम होने की जैसे यह रोल करने से इनकार कर दिया। इसके बाद वो शाहरुख के पिता के रोल में नजर आए। इसके बाद इस स्क्रिप्ट के साथ वो पहुंची चेन्नई में कमल हसन के पास, जिन्होंने ये रोल करने से ही मना कर दिया। फराह कहती हैं कि इसके बाद वो नाना पाटेकर के पास पहुंची। नाना को स्क्रिप्ट काफी पसंद आई, उन्होंने स्क्रिप्ट में कुछ बदलाव करने के लिए कहा, जिसके लिए फराह तैयार हो गई और फिल्म में वो बदलाव उन्होंने यूज भी किए, लेकिन बाद में नाना ने भी इस रोल के लिए मना कर दिया। इसके बाद फराह को लगा कि एक नायक का खलनायक का रोल करना इंटरेस्टिंग हो सकता है, इसके लिए उन्होंने सुनील शेट्टी को चुना और उन्हें लगा कि सुनील इस रोल के लिए साथ न्याय करेंगे। इसके साथ ही शो में फराह अपने दोस्त किंग खान के साथ उनकी दोस्ती पर बात करती हुई नजर आई। उल्लेखनीय है कि फिल्म मेकर फराह खान की 2004 में आई फिल्म मैं हूं ना को रिलीज हुए 30 अप्रैल को 15 साल पूरे हो गए थे। इस मौके पर फराह और सुष्मिता सेन ने सोशल मीडिया अकाउंट पर शाहरुख खान समेत पूरी टीम को धन्यवाद किया था। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह जानकारी पसंद आए तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं और हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और आगे भी ऐसी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम हर रोज ऐसी खबरें आपके लिए लाते रहते हैं। धन्यवाद।